हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपको UPPCSRO के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बुक बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इन बुकों से पेपर बाहर नहीं जा सकता। आर ओ और ARO का 100% मेरा दावा, ठीक है। और मैंने RO दो बार क्वालिफाई किया, ठीक है। जैसे सबसे पहले बात करें हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री की वाली बुक ले लेते हैं, मतलब अहिजा पब्लिकेशन की भारत का इतिहास सूक्ष्म पुलन से, मतलब ये बुक ऐसे कि जैसे मानो गागर में सागर, ठीक है। आप देख सकते हैं, एक तो आपको ये बुक लेनी हिस्ट्री के लिए, सही है, ठीक है। और इस बुक से हिस्ट्री का कोई सा भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, चाहे UPSC को छोड़ दिया जाए, ठीक है। PCS और RO सब इसी में से आएगा, सही है। ना ही आपको घटना चक्र पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही लूसेंट कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत, सही है। आप मार्केट से ही बुक ले सकते हैं। देखिए बुक पीछे से ऐसे दिखाई देती है, ठीक है। और इसके में आप देख सकते हैं जी, ठीक है। अभी मैं इसका इंडेक्स दिखा देता हूँ आपको। देखिए इंडेक्स, मतलब इसमें आपको हिस्ट्री के तीनों पार्ट मिल जाएंगे आपको। एक मिनट देखिए, आपको हिस्ट्री के इसमें मौर्यकालीन, मतलब आपको इस बुक से बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता, ये मेरा दावा, ठीक है। और आपको इसमें प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत सभी के पार्ट मिलेंगे, मतलब सभी देखने को मिलेगा। और UPSC में भी काफ़ी क्वेश्चन इस बुक से देखने को मिल जाता है हमें। ये बुक अपने आप में, ये मानो कि जैसे बोलते हैं ना गागर में सागर की तरह है, ठीक है। और मेरा कई साल का एक्सपीरियंस है और मैंने PCS से भी मेंस दिया है, ठीक है। और अगर आप देखना चाहते हैं इस बुक की हड़प्पा, देखो ये इस तरह से इसमें दे रखा बुक में, ठीक है। और आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये ठीक है, देखो बहुत अच्छा दे रखा इसमें, मतलब डायग्राम बेस पर भी दे रखा इसमें कुछ। और अगर आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक को जरूर पढ़ें, इसमें बहुत अच्छा दे रखा, ठीक है। और जो UPSC शब्दावली पूछती है वो भी आपको इसमें सभी मिल जाएंगे, सही है। एक मिनट अभी दिखा देता हूँ आपको, देखिए जैन धर्म बौद्ध धर्म की सारी कंडीशन मिलेंगी आपको। मतलब ये बुक, ये मानो कि मतलब बाइबल टाइप की, मतलब इस बुक से आपको, इस बुक से बाहर नहीं मिलेगा क्वेश्चन कोई भी किसी भी एग्जाम में, मतलब UPSC को छोड़ दिया जाए अगर। ठीक है, देखो बहुत अच्छी बुक है भाई ये। और अगर आपको ये बुक मिल जाती तो मंगवा सकते हैं, मेरे फ़िलहाल से ये यहाँ पर तो नहीं मिल सकती, दिल्ली या इलाहाबाद में आपको मिल सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद करता हूँ मैं आपको हिंदी के लिए, अगर आप RO की तैयारी करें तो ये बुक ले सकते हैं, डॉक्टर वासुदेव नरेंद्र प्रसाद की, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी बुक है, प्राइस 240 है, 200 के आसपास की मिल जाएगी आपको ये बुक, ठीक है। इसमें देखो ये सब आपको मिल जाएगा, देख लीजिए, सही है, ये ले सकते हैं। फिर इसके बाद आप हिंदी के लिए आप ये बुक ले सकते हैं, लूसेंट मेरे पास, ठीक है। तो आप इसका नया वर्जन ले सकते हैं, ठीक है, हिंदी के लिए। और बात करते हैं करंट अफेयर्स, अगर करंट अफेयर्स पढ़ना आपको RO और PCS UPSC के लिए, इस बुक से ये क्रॉनिकल आती है, ठीक है, हर मंथली आती है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा मटेरियल है इसके अंदर, देखिए
भारत का G20 नेतृत्व, सही है, ये आर्टिकल आते हैं इसमें जो आपकी मेंस का होता है। देखो दृष्टि की ना पढ़ के ये पढ़िए, और इसी बुक की सबसे अच्छी पहचान मैं आपको दूँ, मतलब इसे मेंस के लिए अलग होता है और पीडी के लिए अलग होता है। जैसे कि हमारा इंडेक्स देख रहे हैं आप, तो इंडेक्स में दे सकते हैं आप, देखो कोई छेद भी आता है उसके अंदर। फिर हमारा ये भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। कैसी लगी मेरी वीडियो ये जरूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना, और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। आप सभी को मेरा नमस्कार।